बिहार में लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार में बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बढ़ सकता है लॉकडाउन, यानी कि इसकी अवधि सरकार बढ़ा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लॉकडाउन को लेकर आज या कल में समीक्षा बैठक सरकार कर सकती है। तो लॉकडाउन को लेकर आज हो सकती है समीक्षा बैठक, कोरोना संक्रमण कम होने पर आपको मिल सकती है थोड़ी सी छूट, यानी कि जो नियम है वो थोड़े से कम किए जा सकते हैं। 25 मई को लॉकडाउन की अवधि हो रही है खत्म। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 25 मई को लॉकडाउन बिहार में जो दूसरे लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया था उसकी अवधि खत्म हो रही है। और इसमें खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि लॉकडाउन बढ़ सकता है। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरीके से स्थितियां हैं, स्थितियों को देखकर यह लग रहा है, परिस्थितियों को देखकर यह लग रहा है कि एक बार फिर से लॉकडाउन की जो समय सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल, कोई विकल्प नहीं है अविनाश। आपको बता दें, कल सेक्रेटरी जब जिले के तमाम जिला अधिकारियों से उन्होंने बात की, उसमें ज्यादातर जिला अधिकारी की जो इच्छा थी लॉकडाउन बढ़ाया जाए और सख्ती भी बढ़ाया जाए। हाँ, तारीख को लेकर एक असमंजस की स्थिति है। कुछ लोग कह रहे हैं 30 तक रखा जाए, कुछ लोग कह रहे हैं 2 तारीख तक रखा जाए। हालांकि आज बैठक होने वाली है, बैठक के बाद ये ऐलान कर दिया जाएगा कि हम कितने दिनों तक लॉकडाउन बढ़ाएंगे। लॉकडाउन लगना चाहिए क्योंकि सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि दोहरा मार्ग झेल रहा है बिहार, वैसे स्थिति में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन जो सवाल है सख्ती को लेकर, इस सख्ती को लेकर सरकार, हमें नहीं लगता है कि अभी कोई ढिलाई करने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र को लेकर चिंता है, ग्रामीण क्षेत्र को लेकर भी चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री ने भी इस पर चर्चा की थी, मुख्यमंत्री ने भी इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना जिस तरह से अफवाह पसार रहा है उसको देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी जो 8 से 12 बजे का जो टाइम था हो सकता है वो 8 से 10 11 बजे तक का टाइम किया जाए, कुछ टाइम घटाया जाए, क्योंकि कोरोना जो है ग्रामीण स्तर में भी अपना प्रभाव डालने लगा है। वैसे स्थिति को लेकर तमाम स्थिति पर आज चर्चा होने वाली है। सीएम खुद इस बात को देखेंगे और समझेंगे। हालांकि जिला अधिकारियों ने अपनी ममता जाहिर कर दी है। वैसे स्थिति में सरकार के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है और जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन फिलहाल खत्म हो जाएगा, अभी लॉकडाउन खत्म होने के कोई आसार नहीं है। सख्ती में ढिलाई देने की इसमें भी बहुत ज्यादा स्पेस सरकार देने के मूड में नहीं है, क्योंकि अगर जरा सा भी स्पेस दिया गया तो क्यों आप देख रहे हैं आजकल आजकल शादी विवाह का मौसम है, आज भी लोग सैकड़ों लोग की संख्या में लोग जा रहे हैं। जब हम 3 घंटे के लिए मार्केट खुल रहा है तो इस तरह हाट बाजार में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हो जा रहे हैं, तो सरकार बहुत ज्यादा ढील देने की मुद्रा में नहीं है और बेहतर भी नहीं होगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार अभी कुछ दिन पहले कल मंगल पांडे ने एक बैठक भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठक थी, उसको मंगल पांडे ने बताया कि आगे आने वाले दिनों में अगस्त के बीच में हो सकता है कि थर्ड फेज भी आ जाए। तो वैसे हालात में सरकार को ये जहन में है कि अगर हमने सख्ती नहीं की और सही तरीके से उसकी व्यवस्था नहीं की तो सरकार के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी और सरकार को जवाब देना मुश्किल हो रहा है आज भी और आगे भी हो जाएगा। तो वैसे हालात में लॉकडाउन को लेकर, लॉकडाउन की अवधि को लेकर आज ये लोग बैठेंगे, बैठने के बाद तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन सख्ती बनी रहेगी, सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, तो सरकार के पास दूसरा कोई अन्य विकल्प नहीं है और इसको लेकर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।